कश्मीर में हालात कैसे हैं? ये सवाल हर किसी के मन में है, चाहे वो कश्मीर में रहने वाला हो या फिर भारत के किसी भी कोने में रहने वाला भारतवासी देशवासी हो, सबके मन में ये सवाल हर समय रहता है कि कश्मीर में हालात कैसे हैं। मेरा नाम है राकेश रोशन भट्ट और आज यही समझने के लिए सीएमआर के सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च इन कश्मीर एंड एन इंडिपेंडेंट पोर्टल न्यूज पोर्टल द राइट न्यूज ने मिलके ये ऑनलाइन इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज किया है और मैं आपका होस्ट राकेश रोशन भट्ट, हमारे जो तीन जानकार हैं, बहुत ही उम्दा दर्जे के जानकार पैनलिस्ट हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर की सिक्योरिटी और डिफेंस सिचुएशन को समझने में, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे पहले पैनलिस्ट ब्रिगेडियर विजय सागर जी। ब्रिगेडियर विजय सागर बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एक्सपर्ट, जो जाने माने नेशनल टीवी कमेंटेटर भी हैं। उन्होंने खुद JNK में सर्व किया है, LOC पे, बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में कमांडर रह चुके हैं। उनके साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार भी हैं जो एक इन्फेंट्री ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी सारे काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेरर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। उन्होंने खुद बेसिकली JNK में सर्व किया है। उन्होंने दो बुक्स लिखी हैं और 200 रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स भी लिखे हैं। एंड ही हैज बीन फॉर्मर डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट USI एंड करंटली विजिटिंग फेलो एट क्लॉस। हमारे तीसरे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं श्री कुलदीप खोड़ा जी। ये MSc फिजिक्स हैं फ्रॉम IIT दिल्ली। ये DGP रह चुके हैं JNK के, तो इनको बेसिकली लोकल और जो बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम में जब JNK वॉज इन टर्मोइल, उस टाइम पे ये DGP रहे, तो इनको बहुत ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन की समझ है। एंड ही हैज ऑल्सो सर्व एज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ JNK स्टेट। ही इज ऑल्सो रिसिपियंट ऑफ मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल मेरिट अवार्ड्स फॉर हिज मेरिटोरियस सर्विसेज, इंक्लूडिंग द हाइस्ट सिविल सर्विस अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आई मीन दिस इज अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी हैव सच पैनल्स विद अस। और ये बेसिकली जो टॉपिक है हमारा आज, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, आई थिंक इससे बेटर पैनल नहीं हो सकता। सो थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू, वार्म वेलकम टू दिस सेशन। सो सबसे पहले व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज, मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है जो पब्लिश डेटा है। इसमें अगर हम देखें, जो डेटा कह रहा है कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में है। आई जस्ट शेयर सम डेटा पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू द पब्लिश डेटा पॉइंट्स, इस साल जुलाई जुलाई 2020 तक अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से, देर इज 42% डिक्लाइन इन यूथ हु हैव ज्वाइंड टेरर ग्रुप्स इन कश्मीर, नंबर वन। नंबर टू, जितने आतंकवादी मारे गए हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। टेररिस्ट अटैक्स में कमी हुई है, आई मीन कंपेयर टू 395 अटैक्स इन 2019, इस साल अगस्त तक 181 अटैक्स हुए, सो इट इज अ फॉल ऑफ 54%। सिविलियंस की कैजुअलिटीज देखें तो सेम पीरियड में पिछले साल 42 सिविलियंस वर किल्ड एंड दिस ईयर 51 वर किल्ड। सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से हम देखें नुकसान तो 66% का ड्रॉप हुआ है। तो डेटा पॉइंट्स, आई मीन जो डेटा हमारे सामने है, ये क्लियरली बता रहा है कि सिचुएशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल, गिवन द फैक्ट दैट ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसमें आर्टिकल 370 हटा, उसके बावजूद जो ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई हैं, राइट। बट एक एक मैंने आई केम अक्रॉस अ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, जिसमें काफी सारे जर्नलिस्ट, राइटर्स और हिस्टोरियंस उस पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट, विच विच बेसिकली पुट्स कश्मीर सिचुएशन इन अ वेरी वेरी बैड लाइट। दे सेड इट्स टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। अब एक एक पहलू वो है, एंड कुछ सेगमेंट्स में एक जनरल परसेप्शन है कि हालात खराब है। अब वो इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि यू नो श्रीनगर में अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सालों से श्रीनगर में अटैक नहीं हो रहे थे, बटमालू और बरजुला जैसी जगह पे अब अटैक्स हो रहे हैं, और जो रिसेंट किलिंग हुई 3 BJP वर्कर्स की, उसका भी वो हवाला देते हैं।
ब्रिगेडियर विजय सागर जी से के पास आऊँगा इसके कुछ और पहलू समझने के लिए। हम ब्रिगेडियर विजय सागर रिसेंटली हमने देखा, जिसका जिक्र खोड़ा साहब ने भी किया, कि पाकिस्तान की असेंबली में जो किस्से हुए, जहाँ पे मोदी मोदी के नारे लगे, पाकिस्तान ने एडमिट किया पुलवामा अटैक हमने करवाया, स्पीकर ने स्टेटमेंट दिया, और रिसेंटली जो लैंड लॉ लॉ जो आया J&K के लिए, कश्मीर में अब कुछ लोकल जो इवेंट्स हुए कि बीजेपी के वर्कर्स ने कुछ नेशनलिस्ट ने, नॉट रियली बीजेपी, नेशनलिस्ट ने ट्राइकलर वहाँ पे उठाया, बीजेपी के लीडर मारे गए। तो आपको क्या लगता है कि व्हेन सच इवेंट्स हैपन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी सिनेरियो एट ग्राउंड लेवल, एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल प्लानिंग? Well, Rakesh, I have a very, very simple answer to all your complex questions which you asked in so many words. Mr. Khoda has given you a very good brief because probably he has the first-hand knowledge of this, which I agree. But my reaction as the son of the soil and having served in Kashmir in various capacities for many, many years and also being part of United Nations Observability Observer Group in India, Pakistan, on Gupkar Road for 2.5 years. I've sat there, seen my things, tell things firsthand, and because of the UN badge, I could interact with people at will and find out what they want to say. Let me tell you very, very honestly, all that what has been said so far on this channel, it can be summarized. India has tried to do a military solution to this problem in J&K, whereas no insurgency in this world has a military solution. Like Mr. Khoda talked about Israel and America. Sir, could you tell me if Israel has succeeded against Palestinians even now, or America has succeeded in Afghanistan or Vietnam or where? Insurgency cannot be finished. If we give example of Punjab, what Mr. Gill did over there, well, there are embers still there. It has not gone totally off. So my first point is the military solution by any government is not the solution to J&K problem. What is happening is, we are trying to assimilate Jammu and Kashmir with the rest of the country, whereas the requirement is of integrating Jammu and Kashmir with the rest of the country. So that is the basic difference. Now, second point, which I'm a little vocal in many panels wherever I go. We are all psychologists. We work on the psychology. If somebody speaks in your favor, you become very happy. If somebody speaks against you start giving statements against that person. Everybody does that, natural phenomena. Nothing wrong with it. Like when there was a thick of insurgency on, whole world was criticizing, like you said, Amnesty International, human rights, they still have a, they're taking their pound on Kashmir every now and then. And we keep sort of reacting to them. We keep telling them they have been sold to China, they've been sold to so-and-so, or the Americans also for that matter. But when that EU ambassador came to India, EU Parliament ambassador, and she said wonderful things about India, we were all very gaga about it. I think this happened in 2008, if I'm not wrong. So similarly, your happening in Pakistan Assembly, whether it was Modi Modi ke nare lage, ya Fawad Chaudhary ne bola jo bola, वैसे वो एक राशिद, उस दिन क्यों नहीं बोला मैं समझ नहीं, उनका रेलवे मिनिस्टर जो पाव पाव के और आधा आधा किलो के एटम बम पाकिस्तान पर फेंक रहा था, जो सिर्फ मुसलमानों को बचा के बाकी सबको मारते, मुस्लिम को कुछ नहीं करते, वो क्यों नहीं बोला? सो दीज आर दी स्टेटमेंट्स we feel we get rejoiced, we feel we have done a victory. They mean nothing to us. All that has happened in Pakistan Assembly of various types, or even Imran Khan has tried to threaten people with the nuclear attacks, or other ministers have done it, even the Maulanas have done it, ki bomb maro, jaldi karo, kis liye rakhe hue hain. These are all internal politics of Pakistan. And to my mind, they would have a negligible effect as regards the position in Kashmir is concerned. Yes, to some extent, people of Kashmir, till yesterday, they were all gaga that Pakistan is going to come to save them, their brethren, etc., etc. They would have forgotten that. And let me tell you, in 1947 also, why was that dubious 35A which we're talking about? Whenever you said 35A, then it was told, it was started by Maharaja in 1930. Why was it done? It was done to protect Kashmiris from the Punjabis of Pakistan, then India, but later on Pakistan. People of Kashmir are still do not sort of, they don't trust those people.
So there's no question of going to Pakistan. That dimension doesn't exist the way it has been projected. So I would like that we should dissuade from those things. We should do a rational analysis, absolute, dispassionate, without emotions. We should discuss the thing and then try to achieve the results, which we, I would say the government of India, till date hasn't done. Yes, as Mr. Koda said, the government changed in 2014. Well, there were fallouts. Whatever arguments is given, they are valid. But at the same time, there was some hope as well. Maybe things would improve. And well, they happened also. 370 is gone. 35 is gone. But what after that? We are back to the same appeasing religious sentiments by way of governance. You call yourself secular. Just see the word meaning of word secular in your dictionary. Secular meaning as per the dictionary is where the state has nothing to do with the politics. Correction, nothing to do with the religion. So here we are integrating religion at all times in all our state matters. So how are we secular? The very definition doesn't exist. So Kashmir problem is not a military problem. Yes, we have a absolute structure in place. We have our intelligence agencies, police agencies, army agencies, security forces working in tandem at the best at the moment, especially after it has become UT. Now it has been controlled better. We have better infrastructure and we are getting more successes vis-a-vis what we are getting earlier. That much of thing is there. And there are some problems on Pakistani side. So they are sort of getting leaned out. But then there are politicians who are now trying to let China jump in. So politicians of the day or of the land will always have some nuisance value or the other. They will try to pop in something or the other, which keeps the pot boiling because it is to their advantage. They have to play with the emotions. They have to play with the feelings of the local residents. Now, let me tell you, 60% of the downtrodden in Kashmir haven't crossed Banihal Tunnel even today. 40% of the Jammu downtrodden, in fact, Jammu, nobody listens to Jammu at all. They haven't crossed your Lakhanpur Bridge. Where are these voices? They constitute the maximum chunk of the population of Jammu and Kashmir. Where are these voices? Where are their feelings? It is only a handful at the top who, by virtue of their influence or by virtue of their education or by virtue of the money that they have accumulated for all these years, they do what they want to do. And that has to stop. That has to stop. Carrying a Tiranga is not a big deal. When I was in Srinagar, I've seen many times. Of course, it was all government funded, IB funded, intelligence agencies funded. We would have those Tiranga Yatras being organized. So they were not published in the newspapers, in the local newspapers. They were done. The people like Advani and other, Murali Manohar Joshi, they did go to Lal Chowk and they did raise the flag. So these are symbolic things. So my recommendation to the government would be, or to the intelligentsia of the country, or to the leaders of Jammu and Kashmir, who are hiding somewhere at the moment, I don't know where. So they should try to convince the government that military solution is not the solution. Military solution, I can tell you, Mr. Khoda will also bear me out, if we leave out, in fact, I've spoken this in an international seminar also, if we leave out the human angle, this insurgency can finish in 2 days, 48 hours flat. But of course, we have to see how many casualties we will incur. That is what we are scared of. That's where the politics of the day comes in. But in this entire game of politicians, of influential people in society, or the people who matter, it is the poor guy who remains the poor. And today, the latest thing what we are hearing is that now that land can be bought by anybody from rest of the country, you see what twist has been given to them. Your audio is off. My audio is off. Rakesh, I want to clarify one thing. Yeah, sure. My audio is there, audio? Can you hear me, Rakesh? Yes, yes. Khodasav wants to come in on some point of yours. So, yeah. You know, Rakesh, your question, if I recall correctly, was on terrorism. Correct. So I confined my answer to terrorism only. How to deal with terrorism? It has two dimensions. One is the internal dimension, which is being addressed very strongly and very professionally by the security forces. Correct. Another is the external dimension, which is Pakistan, on which a policy decision is required. The other issue is of Kashmir problem. I did not discuss Kashmir problem. Kashmir problem has many internal dimensions. And
Kashmir problem was before the start of terrorism, before 1990 also, right, from 47. So that's to be addressed differently. So I confined my answer I limited my answer to the question asked only, not to the Kashmir problem. I addressed on terrorism only. That's point, the clarity I wanted to make. Point taken, sir. Noted. Yeah. In my thing, can I talk about this land buying thing? That third order of military organization? No, this is a very funny thing that has happened. Now, I'm addressing those 60% plus 40% from Jammu and 60% from Srinagar. Look at what is happening to them. If there's a whole lot of protest against this particular order, and as though heavens have fallen, as though Kashmir or Kashmir ethnicity is gone, that is what is being said. But this is a ridiculous argument. What was happening is that even my daughter cannot buy land in Jammu. Her husband, her children cannot buy. They have no local standard as far as Jammu is concerned. Whereas what is happening to the Pakistanis coming to Jammu and Kashmir? What is happening to UPI, Deobandi, Rohingyas? They are grabbing the land over here. It is a ridiculous argument. So this kind of a thing has to go. And yes, this terrorism, as Mr. Khoda has said, he very correctly gave us the details about whatever is happening. Security forces are on the run. And I'm telling you, security forces have given proper orders. I repeat, the problem can be finished in 48 hours. It is only a matter of time. Like a Korean general asked me some 20 years back, he said, why can't you finish this problem? I said, this is because, I said, no, you make a grid and keep finishing one by one. We have enough security forces. But then I said, sir, this is a human angle involved. We are a democracy. We cannot take that risk, unfortunately. So I have a calculations in terms of money and pluses and minuses. But then for emotional reasons, nobody wants to speak this out. Because people will just give emotional responses to it. What nonsense. Okay, he told me, he said, Colonel Shah, aap toh bahar se army wale hain, aap kuch bhi bol rahe hain. Aapko pata hai kisi ka marne ka kya hota hai. Hum Jammu Kashmir wale hain. So I had taken my state subject certificate. I was on an international forum. I showed it like this. I said, look, I also belong to Jammu Kashmir. Agar is case mein char aadmi aapke marenge, toh do shayad mere bhi marenge. I'm aware of it. Shayad main hi marun. You never know. But then the point is, if you want a lasting peace, this is one of the possible solutions. I know impractical, but then this is what the logic is. So that way, what I would say is, as far as the terrorism concerned, Mr. Khoda has been in charge of it, and we have other people on board probably are listening to me. They know it can be done. But for political reasons, for humanity reasons, it is not being allowed to do. And we cannot do it. So if that is not the case, then we have to look for the voices of those 40% or those 60% downtrodden who were never part of the human race ever. They were never given a voice. Somebody has hijacked their voice totally all over. So how will we do it? And then you have very funny things like we keep giving ourselves credit for various small things, what's happened in Pakistani assembly or somebody is revolted in Delhi, somebody said something in, let's say, Canada, somebody talks like Barrister Bashnani speaks from Canada, Mr. Ayub speaks from UK, somebody speaks from Balochistan. So these are the things, they are there and they should matter, but then they are very negligible responses, nothing to be rejoicing about. We have to look for a firm policy of integrating Jammu and Kashmir and not assimilating Jammu and Kashmir the rest of it. Yes. Sir, I want to specifically, come in on a point that you mentioned. You said, we have to look at the human angle too. I mean, because the military, the ultimate military option is not viable. So if you look at that, then if you look back these 30 years, I think whichever government came to power, they all tried, all plausible, probably what could work, what could not work. But they tried those different options. I mean, whether it was forming coalition government or, extending SOPs or, packages or, giving rehabilitation schemes for terrorists to give up arms. So all sorts of things were tried. So why do you think, there is something that is still missing or something that has not been attempted?
what is that you have you think you know has not been tried till now? What I am trying to tell you is that, as you said, a lot of things have been tried, tested, everything. Yes, but then the point is, the real problem has not been addressed at all, because people were worried about their chairs. What will be the fallout internationally? What will be the fallout in domestic politics? That is the problem. You tried all sorts of things. We had the Ikhwani. Ikhwani did such a good work for the army. Police knows it. Police is a much, much revived force today, what it was earlier. All those efforts have been done, hoping that with these efforts, probably the insurgency would go down. But that can never happen. And we know it also, because it has become an industry in Srinagar. Agar aapko pata ho, ke ye hawala ka paisa Jammu mein kaise aata hai? This is by way of freight, by way of tourist agencies, various tactics they follow. And plus, there is a bully, there is a tendering system. कि कौन आदमी कितने पत्थर मारने वाले जुटा सकता है, कितने जनाजे पे बंदे ला सकता है, कितने बंद करवा सकता है, और उसका क्या रेट है. वो श्रीनगर में रेट लगता है, एंड जो उसको टेंडर को जीत जाता है उसको उतने पैसे मिल जाते हैं, और वो फिर सारे डेजिग्नेटेड काम कराता है. तो इट इज बिकम इंडस्ट्री, एंड ऑल पॉलिटिशियंस, एवरीबडी हैज अ स्टेक इन इट, एवरीबडी इज अ पाई फॉर इट. सो वंस योर पाई इज देयर, व्हाई वुड यू वांट द प्रॉब्लम टू फिनिश फर्स्ट ऑफ ऑल? So that is all I can say. So you don't want the problem to finish. If you're sitting in Delhi, you're worried about the domestic politics. You're worried about the international forum. If you are in J&K, you're worried about your own chair, your own booty that is coming to you from wherever, and how it is coming. I mean, there are a number of examples I can tell you. Correct. So there definitely is a international angle to it, an international dimension. There is this third populous Muslim country like Bangladesh, which says Kashmir is an internal matter of India, and on the other hand, Saudi, sometimes says in favor of India, and sometimes like the recent example, they distorted the map on their banknote. Turkey, says Kashmir is as important to them as it is to Pakistan, and then when there's a standoff between India and Pakistan, Trump offers to mediate. So with these on and off international noises. I'm coming to you, Brigadier Narinder Ji. Do you think there is an impact on the security situation at ground level too? And has India been able to tackle international pressure well or not? And if not, what should be the way forward? It's a very interesting question. I hope I'm audible. Yeah, sure. Yes. किसी भी campaign को कंटिन्यूस चलाने के लिए, स्पेशली इंसर्जेंसी और टेररिज्म को कंटिन्यूसली चलाने के लिए, एक जस्ट कॉज को रेटिफाई करने की बड़ी आवश्यकता है. अगर उसको वो जस्ट कॉज की तरह रेटिफाई नहीं कर पाते तो वो मूवमेंट को फेल होने की ज्यादा चांसेस है. नाउ रेटिफिकेशन उसकी रिलीजियस ढंग से होती है, रेटिफिकेशन उसकी लाइक माइंडेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन और द ट्रांसनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और रेटिफिकेशन उम्मा की तरफ से भी हो सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी ये हो सकता है. अगर आप देखिए कि टर्की जितना अभी वोकल है, और मलेशिया उसके बाद, उससे ज्यादा जो आज की डेट में हमको मैटर करता है वो चाइना फैक्टर है एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न. चाइना का इंटरेस्ट कश्मीर में कोई रिलीजन के साथ नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी के साथ नहीं है. चाइना का जो अट्रैक्शन जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान में है प्योरली स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक है. तो पहली चीज तो ये है कि ये रेटिफिकेशन जब उनको मिलता है टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, तो इनके जो हौसले हैं और बुलंद हो जाते हैं, और उनको एक दिन और ज्यादा लड़ाई करने के लिए जो इम्पीटस है वो मिलता है ग्राउंड के ऊपर. तो ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिलती है उससे इनको जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं वो कहते हैं कि देखिए आपकी मुहिम में अब विश्व के बाकी देश भी जुड़ चुके हैं, तो इसको हमको भूलना नहीं चाहिए. दूसरी बात यह है, और इसका सर्टनली ग्राउंड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इंटरनेशनलाइज करने के लिए इसका इंपैक्ट पड़ता है. पाकिस्तान की कोशिश पिछले 30 साल से रही है कि इस कॉज को और उनके इस मुहिम को इंटरनेशनलाइज किया जा सके. तो वो अभी तुर्की को ऑन बोर्ड लाया है, मलेशिया को ऑन बोर्ड लाया है, तो ये इसको अपनी एक सफलता मानता है. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि
भारत ने इसके ऊपर काफी काम किया है और अभी तक जो उम्मा है या ओआईसी है, ओआईसी ने खुल के कश्मीर के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने बुलाई थी उसको नहीं किया, ये हमारी डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री मानी जाएगी। नाउ दूसरी बात जो मैं कह रहा था, चाइना फैक्टर शॉर्ट टर्म में हमारे लिए हानिकारक है। कारण उसका बड़ा सिंपल है कि शॉर्ट टर्म के अंदर चाइना का जो आज की डेट में इंटरेस्ट है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी चाहता है, लेकिन पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में स्टेबिलिटी चाहता है ताकि उसका सीपीसी जो है उसकी प्रोग्रेस जो है अच्छी हो सके। बट लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा कि जो स्नेक्स उन्होंने अपने बैकयार्ड में पाले हुए हैं वही स्नेक उनको काटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप अगले एक डिकेड के बाद देखिए कि ये पाकिस्तान में जो इन्होंने ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई है, पाली हुई है, जिसमें 13 खास किस्म के ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये उल्टा पाकिस्तान को तो काटेंगे लेकिन ये चाइना को भी काटेंगे और उसकी आवाजें अभी आनी शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज, आप जो आपने बताया कि अभी तक हमने क्या किया, ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि भविष्य में इंटरनेशनल जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरफ जाती है, विल वी बी एबल टू कंट्रोल दिस और विल दी इंटरनेशनल ओपिनियन विल गो अगेंस्ट इंडिया, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। दैट इज वन। द सेकेंड पॉइंट इज कि जो क्या कहते हैं हमारा जो ग्लोबल कम्युनिटी को ओपिनियन शेप करना जो है उसके लिए कंटिन्यूस कार्य करना पड़ेगा। ये जैसे खोटा साहब ने बताया कि ये स्टॉप गो की पॉलिसी नहीं चलेगी, आपको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखनी पड़ेगी। आपको अपना नैरेटिव चलाने के लिए आपके पास एक परमानेंट स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है आपने आज किया फिर 6 महीने बंद हो गए, 4 आर्टिकल लिखे, 2 भाषण दिए और उसके बाद आप बंद गए। एक जो ये वॉर ऑफ परसेप्शन है ये एक स्ट्रक्चर ढंग से चलता है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वॉर है, इसके ऊपर हमको काम करने की बड़ी आवश्यकता है। एंड आई डोंट थिंक सो वी हैव इन्वेस्टेड एनफ एज फार एज द बैटल ऑफ नैरेटिव और वॉर ऑफ परसेप्शन इज कंसर्न्ड, वी हैव नॉट डन दैट। अगर आप इंटरनेशनल ओपिनियन को शेप करना चाहेंगे तो आप दो ही तरीके हैं, 3 तरीके हैं, वन इज डिप्लोमेसी, सेकेंड इज योर शेपिंग द ओपिनियन through the battle of narratives and third is the economics. तो ये आपको एक structure बनाना पड़ेगा, जो आज की date में कश्मीर के मुद्दे पे ऊपर ऐसा कोई structure नहीं है जहां पे कि इस चीज को किया जा सके। चौथी चीज ये जो है कि हमको ये आवश्यक है कि हमको दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान एक्चुअली में कश्मीर में क्या कर रहा है। हमने इसको बड़े फर्म ढंग से आज तक नहीं उठाया। आज तक हमें यह मालूम नहीं है कि 1947 से लेके 2020 तक कितने हिंदू मुस्लिम डिस्प्लेस हुए हैं, कितने लोग इस दहशतगर्दी में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मारे गए हैं और कितने कितने लाखों लोग आज भी ऑक्युपाइड टेरिटरी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी में उनके अधीन रहते हैं। ना ही उसको हमने आईसीजी में लेके गया है, ना ही उसको हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल में लेके गए, ना ही हमने उसको यूएन ह्यूमन राइट्स के खिलाफ किया जा के सामने पेश किया है। तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने इसके ऊपर कोई कठोर या कोई जो फर्म जो है ग्राउंड के ऊपर कार्रवाई नहीं की है। इंडिविजुअल्स ने, कुछ लोगों ने इसके ऊपर कार्य किया है लेकिन वो काफी नहीं है। एज ए स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स आपकी सरकार को ये कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को सौंपे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे, लेकिन इसको उठाना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान ने कश्मीर में किया है। दूसरी चीज ये है कि जो एक नैरेटिव चल रहा है कि एनी टेररिस्ट हु इज किल्ड इन कश्मीर इज स्ट्रेट अवे टर्म्ड एज ए फ्रीडम फाइटर, इस मिथ को बर्स्ट करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते हैं। हम अपनी प्रेस रिलीज यहाँ पे करते हैं, 2 लश्कर टेररिस्ट किल्ड एट सो एंड सो प्लेस और जैश ए मोहम्मद किल्ड एट सो एंड सो प्लेस, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसको वही पाकिस्तान, आज की डेट में पाकिस्तान का कश्मीर सेल हर उनके डिप्लोमेटिक ऑफिस में ग्लोबली काम कर रहा है।
हमारे कितने ऑफिसेज हैं अक्रॉस द ग्लोब जहां पे कश्मीर सेल के लोग काम कर रहे हैं, और जिस दिन कोई भी यहाँ पे एनकाउंटर होता है स्ट्रेट पे, उस दिन वहां पे वो अपना एक ट्वीट या ब्लॉग और या कुछ ना कुछ एम्बेसी में निकाल देते हैं कि टुडे फ्रीडम फाइटर हैज बीन यू नो किल्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इन जो ये फसाद है इनको हमको दूर करना पड़ेगा। तीसरी चीज, आखिरी पॉइंट जो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमने आज तक ये नहीं बताया कि एलईटी और जैश ए मोहम्मद इंडिया सेंट्रिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे हैव गॉट अ ग्लोबल व्यू। और ग्लोबल व्यू का मेरा कहने का मतलब है कि उनकी नजरें सिर्फ हिंदुस्तान या साउथ एशिया में नहीं है, उनकी नजरें अलकायदा की तरह पूरे विश्व की तरफ है। इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम, कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज व्हेन जैश ए मोहम्मद एंड एलईटी विल बिकम अ ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट विल नॉट ओनली इम्पैक्ट इंडिया लेकिन ये बाकी दूसरे देशों को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर हमें कार्य करने की जरूरत है, दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि भाई प्लीज डू नॉट हॉबनॉब दीस टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टुडे और टुमारो दे आर गोइंग टू बाइट यू। इनफैक्ट हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कहा था जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, दैट यू हैव केप्ट स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड दीज स्नेक्स विल बाइट यू वन डे, बिकॉज स्नेक्स दे डोंट नो व्हेदर होम टू बाइट और होम नॉट टू बाइट, हूज फ्रेंड और हूज फोर्स। तो ये जो चीजें हैं इनके ऊपर हमको काफी काम करना पड़ेगा। मैं जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं अंत में इसी चीज से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमें अपना वॉर ऑफ परसेप्शन या बैटल ऑफ नैरेटिव के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर अप्रोच लानी पड़ेगी, बोथ टू शेप द इंटरनेशनल ओपिनियन एंड ऑल्सो एक्सपोज पाकिस्तान। थैंक यू। थैंक यू ब्रिगेडियर नरेंद्र। टू क्विक पॉइंट्स, आई मीन प्लीज, ब्रिगेडियर नरेंद्र ने बोला ना अभी डिस्प्लेस लोगों की बात करी है, ये 22 अक्टूबर को जम्मू में मैं जब बहुत सारे हो रहे थे, वो प्रोटेस्ट चल रहे थे, I was talking, I'll not name the person, but उनको हमसे पूछा कि आप displaced हैं, I mean question पूछना था, अभी word use किया displaced, उन्होंने बीच में काट दिया, बोला देखिए हम displaced नहीं हैं, हम misplaced हैं, आप भूल गए हमें, आप हम किसी गिनती में नहीं आते, जैसे ब्रिगेडियर नरेंद्र ने बताया कि कोई इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाना है, कोई इंडियन कोर्ट में नहीं जाना है, कोई बात ही नहीं कर रहा। So that is point number one. Secondly, last year December में I was attending a seminar in the Manekshaw Center. I mentioned there also what Brigadier Nandan has told you to have an organization जो cyber warfare करे, social media use करे, जैसे इन्होंने cells बना रखे हैं almost सब embassies में all over the world Pakistan ने बना रखे हैं, and they're quick to give a say any sort of a post and well researched and well what do you call ergonomically designed post. हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहाँ पे भी Manekshaw Center में मैंने बोला था कि अगर आपको पैसों की ही प्रॉब्लम है, इफ एट ऑल मनी इज द इश्यू, बाय वन रफेल लेस, आप 36 रफेल खरीद रहे हैं, एक रफेल की कीमत 1600 करोड़ है, 1600 करोड़ में ये बहुत बढ़िया कैंपेन बनेगा और कुछ सालों तक चलेगा, विच विल ब्रेक द बैक ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। दीज आर द टू पॉइंट्स आई थॉट आई जस्ट ऑगमेंट व्हाट ब्रिगेडियर नरेंद्र इज सेइंग। थैंक यू, अप्रिशिएट दैट। ब्रिगेडियर नरेंद्र ने एक पॉइंट बताया अबाउट एलईटी एंड जैश ए मोहम्मद, जो हमें समझना चाहिए कि ये ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और दैट इज व्हाट यू नो वी हैव टू कम्युनिकेट टू वर्ल्ड एंड वी हैव टू बिल्ड ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड अराउंड द फैक्ट दैट दे कैन हार्म एवरीवन, इट्स नॉट अ थ्रेट टू जस्ट इंडिया।